HBSC की 12वीं की परीक्षा के परिणाम में सेवानी मंडी की करिश्मा प्रदेश भर में चौथे नंबर पर आई हैं। नवभारत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली करिश्मा ने अपने जिले भिवानी में पहले स्थान प्राप्त किया है। जानकारी के अनुसार करिश्मा ने कॉमर्स संकाय में कुल 500 अंकों में से 494 अंक हासिल किए हैं। बड़ी बात यह है कि कुल 5 विषयों में ये 4 विषयों में इस छात्रा ने 99 अंक हासिल किए हैं, जबकि एक विषय में 98 अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अब करिश्मा के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। स्कूल प्रशासन की ओर से करिश्मा और स्कूल के वो छात्र छात्राएं जो हरियाणा बोर्ड की टॉप 10 सूची में शामिल हैं, उन्हें स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इसी दौरान पंजाब केसरी संवाददाता ने करिश्मा और हरियाणा बोर्ड की टॉप 10 सूची में शामिल विद्यार्थियों से खास बातचीत की। 12वीं के नतीजे आ चुके हैं और उसमें शिवानी की करिश्मा ने करिश्मा कर दिखाया है। पूरे प्रदेश भर में जहाँ चौथा स्थान हासिल किया है, वहीं जिले में करिश्मा प्रथम रही है। आज करिश्मा हमारे साथ है और हम इन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने इस कामयाबी को किस प्रकार हासिल किया। करिश्मा, सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीवी की तरफ से आपको बधाई। थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपने इस करिश्मे को करके दिखाया। सर, एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा रोल तो मेरे टीचर्स का, जिन्होंने मेरे को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया और उनकी टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी कि हम उन टेस्ट सीरीज़ के लिए बहुत मेंटली प्रिपेयर होती थी कि हमें पता था कि कब क्या होगा और कब सिलेबस कम्प्लीट होने का। हमारे टीचर्स ने हमारा सिलेबस कम से कम 5 से 6 बार कम्प्लीट करा है एक ईयर में, और ये पूरे एक प्राइड की बात है किसी भी टीचर के लिए। एंड जो भी सर करवाते थे हम घर पे जाके पढ़ते थे। और सोशल मीडिया के लिए की बात करें तो मैंने एग्ज़ाम्स टाइम में सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड किया था। मैंने मेरे जूनियर्स को भी यही सलाह देना चाहूँगी कि वो भी एग्ज़ाम्स के वक्त या फिर होल अपने पूरे साल के दौरान वो सोशल मीडिया को अवॉइड करे और पढ़े। क्या बनना चाहती हैं आगे, क्या लक्ष्य अपने लिए आपने रखा? सर, मैं IAS ऑफिसर बन के देश की सेवा करना चाहती हूँ। इसके अलावा इसी स्कूल के 3 अन्य विद्यार्थियों ने टॉप 10 में अपनी सूची में जो है अपना नाम दर्ज करवाया है, उनसे भी बात करते हैं। किस प्रकार से आपने इस कामयाबी को हासिल किया है? सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया, ये स्कूल प्रोवाइड करवाया। और स्कूल में आने के बाद मैंने बहुत लगन से पढ़ाई की, दिन में रात तक पढ़ते थे, तो इसी की वजह से। क्या 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 हासिल करना, क्या देश के लिए किस प्रकार से आगे आपने प्लानिंग करी है, आपने किस प्रकार से पढ़ाई करनी, क्या बनना चाहती हूँ? मैं बैंकिंग जॉब में जाना चाहती हूँ और ये फाइनली कि मैं रियली बैंकिंग में जाऊँगी। ये मेरे फादर, मेरी फैमिली पे डिपेंड है कि वो मेरे करियर के बारे में क्या सोचेंगे। आप क्या बनना चाहेंगे आगे? मैं एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ ताकि हमारे देश में जो फ्रॉड होते हैं उनको उजागर कर सकूँ। आप भी टॉप 10 में शामिल हैं, तो किस प्रकार से इस कामयाबी को हासिल किया? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक टू माय ओल्ड टीचर्स एंड माय पेरेंट्स हु प्रोवाइड मी सच एनवायरनमेंट दैट इज हेल्पफुल फॉर माय स्टडी। एंड रियली टीचर का टाइम टू टाइम मोटिवेट करना एंड उनकी रेगुलर टेस्टिंग कंडक्टिंग रियली इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। एंड रेगुलरली उन्होंने हमें पेपर्स वगैरह सोल्व करवाए, हमारी टाइम लिमिट को कम करवाया, इस कारण आज मैं इस मुकाम पर हूं।